ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल हमारे दोस्त अभी भैया अपनी शादी का न्योता लेके आए हैं। है मम्मी, बैठे अभी भैया बैठते हैं जी, बैठते हैं। तो नवंबर में अभी भैया की शादी है। अरे पता नहीं चला कि स्कूल टाइम के बाद कैसे करके 9-10 साल हो गए और आज शादी का न्योता देने आ गए। मतलब सबके लिए बहुत एक अलग सी चीज़ होती है ना कि कैसा वक्त आ जाता है, पता नहीं लगता यार वक्त का स्कूल टाइम के बाद ना। है मम्मी, मिले वक्त को पता नहीं चलता है भाई, है ना, कैसे बड़े हो जाते हैं और कैसे स्वाहा हो जाती है ज़िंदगी। लेकिन अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। तो अभी भैया थोड़ा बता सकते हैं एक्सपीरियंस कैसा चला है भाई? ठीक ही चला है, अभी तो मस्त चला है। हाँ चलो इसी तरह से ठीक चले, लेकिन थोड़ा क्या अनुभव हो रहा है भाई, कैसा लग रहा है थोड़ा सा? जिम्मेदारी है। पहले ज़िंदगी बहुत मस्त होती है, चाहे वो लड़का हो लड़के, सबकी बहुत बिल्कुल। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, खासकर शादी, तो तब चीज़ें बहुत बदलती भी हैं और बहुत ज़िंदगी अलग हो जाती है। अदरवाइज़ माँ बाप के पीछे तो सबके मज़े होते हैं, है ना, असली पता चलेगा। पहले तो ऐसा था कहीं भी निकल जाते फ्री, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल, आप थोड़ा अब लग जाएंगी पहले से, सोचना पड़ता है अब, ऐसा है, बड़ी चीज़ें अब ध्यान में रख के करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा था, छड़े लड़के तो ऐसे होते हैं कि ये मर्जी करा मुँह चक्के चल रही है भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता अब। फिर आज अभी भैया क्या क्या प्लान है आपका? आज जाना फौजी नहीं सेंटी, उसके घर पे जाएंगे, शादी का न्योता देना, फिर अब बोले देना, फिर जाना बाद में। और किस किस को न्योता दे दिया भाई अभी तक? दे दिया अभी तो सबको, लगभग अब बचे होने कोई 10 का नंबरा बस। 10 का नंबरा बस, इतना ही बस। हाँ ऑलमोस्ट सबने, मतलब काफ़ी वक्त हो गया अब तो, और तकरीबन कितना महीना बचे अब? आई थिंक सेप्टेम्बर लगा, अक्टूबर, नवंबर, ये नवंबर में 1 तारीख को बुआ के लड़के की शादी है। हाँ वहाँ पे तकरीबन 2 महीने, मतलब पता नहीं वक्त कहाँ लगता, मतलब डायरेक्ट ऐसे शादी आएगी। और फेसबुक कैसा चला है आपका भी? ठीक चला है। अभी भाई लोचा कर दिया था अभी भाई, कि जब पहली यूट्यूब पेमेंट आनी थी उस पर भी ऐसे ही हुआ, तब भी इन्होंने स्विफ्ट बैंक, मतलब स्विफ्ट कोड भरा ही नहीं, और फेसबुक की पेमेंट के बारे में इन्होंने गड़बड़ कर दी, वहाँ पे बैंक अकाउंट एक जगह का डाल दिया, लेकिन वो गलत था। तो चलो वो पेमेंट आ जाएगी, जैसे जो गलत डिटेल्स वाली होती है। मुझे लगता है अभी भैया की शादी को ही आएगी, अभी हो जाएगी। मैं बोले मुंडो नहीं पाई, रीति रिवाज बनाए हैं, फॉलो कर लीजिए, नहीं तो। और हमारी भैंसी उधर देखिए कैसे देख रही है, भैंसी अभी सबको देख रही है। रोटी खाने आया हूँ, चली जाना मैं, 10-10 मिनट बहना सारे ग्रहण जाना हूँ। सच ही है क्या बोलना भाई, कजरी कुछ आए तुम घगरी की बहुत डिमांड है। मम्मी पूछो, बाय नंबर मांग रहे हैं ते, बाय नंबर कुछ री घगरी, मम्मी ते घगरी कुछ सियारी, कुछ री घगरी तुम्हारी। अच्छा बाय तो सियारी भाभी आते मेरे, ड्रेस पहनी रही शादी, मम्मी ने घगरी पहनी हुई, वो नंबर नहीं ले रहा मेरे भैया, घगरी की डिमांड करी जा रही है। आए कैसा है मम्मी, मौसम अच्छा हो गया फिलहाल, बारिश हो रहा है तो बादल है, लेकिन चलो ठीक है, इतना सही है। तो फिलहाल यहाँ पे, हाँ जी क्या देख रहे हैं आप? इसका नाम है गिकू, तो मम्मी पूरी अभी गाइड कर रही है कि कैसे तो शादी के लिए मस्त सारी शॉपिंग कर ले रही है सारी, शॉपिंग हो ही करी मेरे तो आउदा लकी ना बच्चा मिन जो बड़ा भारी हो जा से छोटी ना कने श्री भाभीओ भाभीओ भी शहर दी भी बनाए आओ अपू शहर है ती है सूट वाली ही सा सूट ने नहीं हुंदी आई ती बोले मम्मी ती सूट से आ रहा तेरा सूट वाली जाई ती सूट वाले हुई
शादी का दिन सबकी शादी होगी अगर बाबू ने लिखा होगा, नहीं तो हिमाचल तो भरा है ना ना ना। अभी भैया फुल रेडी हैं आज है। करना चाह पानी पीने के नहीं अंदर देना ना हो नहीं दो गए तो महंगे पे हैं दूल्हे राजा अकेले हैं घर पे दो जाने हो ना तो पता क्या हुआ दूल्हे राजा खुद पे अकेले हैं तो अंदर वगैरह सब देने खुद दूल्हे राजा को ही जाना पड़ रहा है क्योंकि दीदी की इनकी शादी हो गई है लेकिन चला मेरा दोस्त अभी भाई का रिश्तेदार है प्रदीप, शायद आपने देखा होगा रक्षाबंधन को लवली भाई ने ब्लॉग डाला था वो वाले। तो फिलहाल गपशप चलते रहेगी तो प्रेम से बोले हर हर महादेव। और अपने हिमाचल और इंडिया में शादी का वैसे बहुत चला है ना, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सबकी अलग अलग डिमांड है। मैं भी शायद चीज़ें सही हो जाएंगी वक्त के साथ और सबका हो जाएगा, प्रभु ने जो लिखा है। खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।